तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ये मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल ले ली है, जिसमें अभी बेसिक एच टी एम एल का कोड लिखा है मैंने, और सी डी एन लिया है मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप या किसी भी तरह का सी एस एस का फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करूँगा। और मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को भी लिंक कर लिया है, जिसके अंदर हम स्टाइल करेंगे। अभी ये फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एच टी एम एल लिखूँगा, उसके बाद सी एस एस से डिज़ाइन करना तैयार करेंगे। एक सेक्शन ले लूँगा पहले मैं यहाँ पे, सेक्शन टैग ले लिया मैंने। अभी सेक्शन टैग को मैं एक क्लास दे दूँगा, उस क्लास का नाम रखूँगा कॉन्टेक्ट हाइफन फॉर्म। उसके बाद एक डिव लूँगा मैं यहाँ पे, और डिव की क्लास लूँगा कॉन्टेक्ट कंटेनर। कॉन्टेक्ट कंटेनर क्लास ले ली मैंने। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास लूँगा कॉलम नाम से, तो ये कॉलम क्लास होगी, ये ग्रिड का काम करेगी। जैसे हम किसी भी एग्जांपल के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, तो हम पहले एक रो क्लास लेते हैं, फिर उसके कॉलम बनाते हैं। तो बस ये जो कॉन्टेक्ट कंटेनर क्लास है, यहाँ पे वो रो का काम करेगी, और जो ये कॉलम हमने लिए हैं यहाँ पे वो कॉलम का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं एक और क्लास ऐड कर दूँगा यहाँ पे, फॉर्म कॉलम वन मीन्स हम दो कॉलम लेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट में। तो लेफ्ट वाले की क्लास हो जाएगी कॉलम वन, और राइट वाले की कॉलम टू हो जाएगी। अब मैं इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कर लिया, और मैं यहाँ पे कॉलम वन की जगह कॉलम यहाँ पे टू लिख दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एच फाइव ले लूँगा, जिसके अंदर मैं हेडिंग लिखूँगा। मैं यहाँ लिख दूँगा राइट टू अस। इसके बाद इस एच फाइव के नीचे फॉर्म स्टार्ट करूँगा। तो फॉर्म टैग मैंने यहाँ पे बना लिया। एक्शन में भी हैश देंगे, और मेथड पोस्ट होगा इसका। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा, डिव क्लास रो। ये जो मैं रो क्लास यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मेरी खुद की कस्टम क्लास होगी। और उसके बाद यहाँ पे डिव की क्लास, फिर कॉलम, यहाँ पे भी हम कॉलम क्लास ले लेंगे। कॉलम क्लास ली, उसके बाद इस डिव को यहाँ पे मैं बंद कर दूँगा। डिव बंद करने के बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा लेबल, ये फॉर्म के लिए जो यूज़ किया जाता है वो लेबल है। यहाँ पे मैं फील्ड का नाम रख दूँगा फुल नेम। नीचे यहाँ पे इनपुट रखूँगा इनपुट, और इनपुट के लिए मैं एक क्लास ले लूँगा फॉर्म इनपुट, और यहाँ पे टाइप भी लिख दूँगा, टाइप होगा टेक्स्ट। अब मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, इन सब की फील्ड को मॉडिफाई कर दूँगा, जैसे मतलब हमें हमारी रिक्वायरमेंट है मैसेज। और इस वाली इनपुट को हटा दूँगा मैं, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लूँगा, रो हो जाएगी 10 और कॉल्स हो जाएंगे 3। और इसकी भी क्लास में इनपुट फॉर्म इनपुट ले लूँगा। इस फॉर्म इनपुट से हम इसको टारगेट करेंगे सी एस एस के अंदर। मैं एक क्लास और लूँगा, उस क्लास का नाम होगा सबमिट। ये मैं सबमिट बटन के लिए बना रहा हूँ क्लास को। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप सबमिट बटन लूँगा, पुट टाइप सबमिट, और उस सबमिट में वैल्यू डालूँगा सबमिट। और इसकी क्लास भी ले लूँगा मैं यहाँ पे सबमिट अंडरस्कोर btn। सेव करूँगा और रिलोड करके देखूँगा अभी। तो फॉर्म की फील्ड्स आ गई हैं, मीन्स हमारा जो एक लेफ्ट साइड का एरिया है वो कंप्लीट हो गया है। अब राइट साइड जाएंगे, एक h5 टैग और लूँगा, और इसकी हेडिंग डालूँगा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद नीचे एक क्लास यूज़ करूँगा, बनाएंगे यहाँ पे एड्रेस। ये डिव यहाँ पे मैं बंद कर दूँगा। डिव बंद करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेन टैग लूँगा, और स्पेन टैग के यहाँ पे क्लास होगी आइकन। इसमें मैं यहाँ पे आइकन दिखाऊँगा, तो मैं पहले मैप का आइकन लगा लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम वाला, FA मैप मार्कर। और ये जो नीचे मैं यहाँ पे स्पेन टैग लूँगा, इसकी क्लास का नाम रख दूँगा वैल्यू, और इसके अंदर कुछ भी डाल देंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली इंडिया, एड्रेस होगा यहाँ पे मतलब एक तरह का। इसी के बाद इसी के साथ मैं इसी वाली क्लास को 2 times और कॉपी करूँगा, और इसमें मैं मोबाइल नंबर डाल दूँगा। तो उसके लिए मैं आइकन यूज़ करूँगा फ़ोन का, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। नीचे ईमेल के लिए एनवलप की क्लास होती है आइकन्स में, एनवलप, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल दूँगा developerdunia.com। और उसके बाद
जब ये एड्रेस ये ख़त्म हो जाएगा इस क्लाइंट के बाद, इस डिव के बाद, मैं एक डिव और बनाऊंगा यहाँ पे, इसकी क्लास लूँगा मैं मैप नाम की। इसमें मैप यूज़ करेंगे गूगल का, और मैप के लिए पहले मैं गूगल पे चल लेता हूँ। तो गूगल पे चलने के बाद आप टाइप करोगे यहाँ पे गूगल मैप, और जब गूगल मैप क्लिक पे जाएंगे तो पहला लिंक होगा, ये देखिए लिंक ये आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, यहाँ का भी एड्रेस, जैसे कि मुझे दिल्ली का मैप चाहिए तो मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला। और उसके बाद यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, जब आप शेयर पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा, आपको वेबसाइट में यूज़ करने के लिए एम्बेड ए मैप, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे कॉपी एचटीएमएल लिखा होगा, इस कॉपी एचटीएमएल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस मैप वाले टिप के अंदर, और इसके अंदर जो मैप हमने उस 5 फ्रेम वाला मैप यूज़ करा है इसके अंदर जो विर्थ होगी और हाइट होगी ये मैं दोनों तरफ 100% कर दूंगा। और HTML तो हमारा तैयार हो गया, तो अब मैं देख लेता हूँ। देखिए मैप भी आ गया हमारा और ये आइकन्स भी आ गए हैं, और देखिए यहाँ पे मैप के नीचे भी दोबारा 3 आइकन आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करे थे। उसका रीज़न ये है कि हमने जो आई टैग जो यूज़ करा था आइकन्स के लिए वो हमने यहाँ पे बंद नहीं करा, तो मैं यहाँ पे बंद भी कर देता हूँ आई टैग को, सेव करके रिलोड करूँगा तो अब ये रिपीट नहीं हो रहे। और फॉर्म भी, वो मैप भी आ गया। अब इसको CSS में डिज़ाइन करेंगे। अब मैं चलता हूँ CSS में, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा के मार्जिन और 0 करके पैडिंग को भी 0 कर दूँगा, और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग आपको बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इनपुट जो आप बनाएंगे उसके अंदर आपको दिक्कत आएगी। और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे रोबोटो यूज़ करूँगा, उस फॉन्ट को मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करा है इसलिए मैंने यहाँ पे किसी भी तरह उसको लिंक नहीं किया है। मैंने सबसे पहले एक क्लास ली थी कॉन्टेक्ट फॉर्म, अब इस क्लास को यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखूँगा, और पहले मैं CSS को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कोड बड़ा हो गया। अब मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा पहले मेन क्लास को बैकग्राउंड कलर, ये मैंने कोड यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट करा हुआ है। बैकग्राउंड कलर देने के बाद इसके अंदर पैडिंग दूंगा मैं 65 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से बिल्कुल 0 कर दी मैंने, और विड्थ इसकी कर दी मैंने 100%, और हाइट 100 VH मीन्स वर्टिकल हाइट, जितनी भी हाइट होगी हमारे डेस्कटॉप की। सेव करूंगा और पेज को रिलोड करूंगा अभी। तो ये देखिए ये बैकग्राउंड में कलर आ गया है कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, जो कॉन्टेक्ट कंटेनर लिया था अब उस क्लास को यूज़ करूँगा मैं ये कॉन्टेक्ट कंटेनर। इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, इसकी डिस्प्ले हो जाएगी फ्लैक्स, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन रो हो जाएगी, फ्लैक्स रैप हो जाएगा इसका रैप। इसकी जो मैक्स विड्थ होगी वो मैं कर दूंगा यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ होगी वो 100%, मैक्स विड्थ 85 और विड्थ 100%, और मार्जिन इसको मैं कर दूंगा ऑटो। इसी के साथ मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा वाइट कलर का, बैकग्राउंड कलर दे दिया थोड़ा। अब इसके अंदर बॉक्स शैडो दूंगा, बॉक्स शैडो दे दी मैंने यहाँ पे। अब मैं कॉलम पे जाऊँगा, ये क्लिक करा, अब मैंने जो ये कॉलम नाम की क्लासेस बनाई थी अब इस क्लास को यहाँ पे मैं लिख दूँगा, इसके अंदर फ्लैक्स जो होगा 00 ऑटो, ये पूरा कॉपी करूँगा मैं। और मैंने जो एक क्लास ली थी यहाँ पे फॉर्म कॉलम 1, ये कॉलम के साथ ही ऐड है तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लगा के लिखूँगा। इसके अंदर दोनों को बिना स्पेस के लिखना है आपको, ये जो कॉलम 1 है जिसके अंदर हमारा फॉर्म है, और इसकी विड्थ 65%, और इसको जो पैडिंग दूंगा मैं टॉप और बॉटम से 35 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल। मैं इसी पूरे को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, और अब जो ये कॉलम टू जो क्लास है वो उसके अंदर हमने एड्रेस और फॉर्म और मैप रखा है गूगल का, यहाँ पे मैं क्लास 2 मेंशन कर देता हूँ। अब मैं इसको विर्थ दूंगा, इसकी जो विर्थ होगी कॉलम 2 की उसके लिए मैं CSS का कैलसी वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। जो विर्थ मैंने कॉलम 1 को दी थी उतनी ही विर्थ मैं यहाँ पे 100% में से माइनस कर दूंगा। 100% अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 100% में से 60% माइनस कर देंगे तो जितना रिजल्ट आएगा वो राइट वाले एरिया को उतनी विर्थ मिल जाएगी। इसकी जो पैडिंग और जो टॉप और बॉटम और लेफ्ट राइट से सेम रहेगी। अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस कर दूंगा 0, 8 पिक्सल, 8 पिक्सल और 0। और अब यहाँ पे भी मैंने क्लास ली थी कॉलम के अंदर जो H5 लिया था उसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है अपर केस हो जाएगा, मीन्स सभी लेटर्स अप हो जाएंगे। और फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे इसके लिए रोबोटो
स्लैब यूज़ करूँगा और फ़ॉन्ट वेट 500, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे 22 पिक्सल। सेव करके पहले मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर करूँगा इसका ब्लैक। सेव करूँगा, अब रीलोड करूँगा। तो देखिए डिज़ाइन बन के बन रहा है। अब मैं पहले चेक करता हूँ, रीलोड करा तो देखिए डिज़ाइन बन रहा है। अब मैं इस वाले जो हमने हेडिंग ली है तो इसको थोड़ा और बोल्ड कर दूँगा और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा लेटर स्पेसिंग डाल दूँगा। लेटर स्पेसिंग 1 px डालता हूँ पहले और इसको मैं यहाँ से मैं मार्जिन बॉटम दूँगा हेडिंग को 15 px दी थी मैंने। अब मैं यहाँ पे जो मैंने रो क्लास ली थी, इस रो क्लास के अंदर मैंने फॉर्म की फील्ड्स यूज़ करी हैं, तो मैंने ये वाली रो क्लास जो है ये भी मैं इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करूँगा। तो मैं फ्लैक्स जो है वो टॉप से पिक कर लेता हूँ। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे कॉपी करी थी डिस्प्ले फ्लैक्स, ये तीनों लाइनें मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने कॉलम बनाए थे कॉपी करी और इसके अंदर जो कॉलम बनाए थे रो के अंदर, इसके लिए भी मैं फ्लैक्स 00 ऑटो और विर्थ, फ्लैक्स 00 ऑटो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दिया और मैं विर्थ भी ये उठा लेता हूँ और नीचे रख के इसकी जो विर्थ होगी वो मैं इस तरह से दूंगा कैलसी का फंक्शन यूज़ करके 50% होगी। देखिए जितना भी टोटल एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट से राइट तक, इसमें एक पर ईच कॉलम जो होगा हाफ एरिया में होगा, मीन्स एक रो के अंदर दो कॉलम होंगे। तो इस हिसाब से मैं इसको 50% विड्थ दूंगा और लेफ्ट और राइट में मार्जिन के लिए मैं इसमें से पहले से ही 20 px लेस कर दूंगा और मार्जिन दूंगा फिर 0 टॉप और बॉटम से। 0 दूंगा मैं पहले टॉप से, फिर लेफ्ट और राइट से दूंगा 10 px। 10 px इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल 20 px दिया था। अगर मैंने यहाँ पे बढ़ाना है तो यहाँ पे 30 कर दूंगा और यहाँ पे 15 कर दूँगा। मतलब जितना भी आपको लेफ़्ट और राइट से चाहिए उसका टोटल यहाँ पे आपको लेस करना होगा। और मार्जिन देने के बाद बॉटम से मैं इसको मार्जिन 15 px का दूँगा जिससे कि स्पेस बना रहेगा। तो देखिए नीचे इसके जो स्पेस आ रहा है इसीलिए आ रहा है। उसके बाद जो ये कॉलम क्लास है इसको मैं यहाँ से दोबारा कॉपी करूँगा और कॉलम क्लास के अंदर जो ये फॉर्म इनपुट वाली क्लास है इस क्लास को मैं यहाँ पे रख दूँगा। अब इसकी जो विर्थ होगी वो 100% होगी, ये 100% कर दी। तो देखिए जो मैंने इनपुट लिया है यहाँ पे 100% विर्थ करी है और मैंने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी करा था। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखिए ये ऐसा बिगड़ जाएगा। हम जिसके अंदर जितने अगर इसमें 100% विर्थ देते हैं तो जो राइट वाला कॉलम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जब मैं इसको अनकमेंट करूँगा और सेव करके रिलोड करूँगा तो ये बिल्कुल अपने ही एरिया में रहता है। इसका ये फ़ायदा होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। और अब मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे दूँगा इनपुट को, इनपुट को मैं पैडिंग दूँगा 8 px की टॉप और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से 15 px की। और इसको जो मैं बॉर्डर दे दूँगा 1 px सॉलिड और कलर ग्रे कलर का। और इसको जो बॉर्डर रेडियस दूँगा मैं वो दूँगा 4 px का। सेव करके रिलोड करूँगा तो देखिए ये सही से बनना स्टार्ट हो गया। अब मैं इस पूरे को फिर कॉपी करूँगा और इस फॉर्म इनपुट की जगह पे मैं यहाँ पे लेबल को ले लूँगा। अब लेबल के लिए मैं फॉन्ट जो साइज होगा वो दूंगा मैं इसको 15 px का और फॉन्ट वेट इसको 500 करूँगा। और फॉन्ट फैमिली मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है यहाँ पे स्टार के अंदर, तो ये सब जगह पे रिपोर्टो चलेगी। जहाँ पे अलग से मेंशन करेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे H5 में करी है, यहाँ पे डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेट दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया। अब इसकी जो डिस्प्ले होगी वो भी मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा और इसको जो मार्जिन दूंगा बॉटम से वो 5 px का दूंगा जिससे कि इनपुट और लेबल के बीच में स्पेस बन जाएगा। तो देखिए बन चुका है। और अब ये जो मैसेज वाला एरिया है इसकी भी विड्थ 50% हो गई है क्योंकि हमने ऊपर वालों की 50% करी थी। तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास एक और ऐड कर लेता हूँ कॉलम में विड्थ 100। अब इस वाली क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और मैं बता दूँगा कि जो कॉलम के साथ एक क्लास ये ऐड है इसको मैं रखूँगा नीचे, कि जो कॉलम के साथ एक क्लास और लगी हुई जिसका नाम है विड्थ 100, उसकी विड्थ कैलसी 100% माइनस 30 px। सेव करूँगा तो अब देखिए दो ये सभी एक रो में आ गए हैं और फुल हो गए हैं। अगर आप चाहते हो इसकी हाइट कम करनी इनपुट ये टेक्स्ट एरिया की, तो देखिए रो को आपको कम करना है या बढ़ा सकते हो। तो रो इसको 4 दे देता हूँ। अब ये इनपुट टाइप से सबमिट बटन है, सबमिट बटन के लिए मैं सबमिट की क्लास यूज़ करूँगा सीधा, डायरेक्ट सबमिट क्लास यूज़ करी।
मैं यहाँ पे पहले तो देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख दूंगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखने से क्या होगा कि जो ये इनपुट है वो सेंटर में हो जाएगा। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर आपको इसमें कुछ ही ऐड करने की जरूरत नहीं है इनपुट के बटन में, बस आप यहाँ पे अगर उसके पेरेंट को दोगे टेक्स्ट लाइन सेंटर तो वो सेंटर हो जाएगा। और रीलोड करूँगा तो मैं चेक कर लेता हूँ इंस्पेक्ट करके क्यों नहीं हुआ। देखिए ये इसलिए नहीं हुआ, टेक्स्ट लाइन सेंटर तो यहाँ पे चल रहा है बट इसकी विड्थ अभी खुद की ही कुछ नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पे इसकी विड्थ दूंगा 100%। अब ये देखिए ये सेंटर में हो गया, तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ भी दे देता हूँ। अब ये देखिए रीलोड करने के बाद ये सेंटर में आ रहा है। अभी सबमिट बटन की क्लास में एक बटन था जो कि हमने यहाँ पे बनाया है सबमिट अंडरस्कोर बटन। अब इस बटन को डिज़ाइन करूँगा मैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दूंगा ब्राउन, और कलर इसका मैं वाइट दूंगा, और इसको मैं बॉर्डर दूंगा 1px का सॉलिड, और कलर इसका होगा ब्राउन, और इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो 500 होगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको मैं कर दूंगा अपर केस, और पैडिंग दूंगा मैं इसको टॉप और बॉटम से 8px, लेफ्ट और राइट से 15px। फॉन्ट साइज इसको दूंगा मैं 15px, और लेटर स्पेसिंग 1px, और मैं इसको कर्सर जो है वो पॉइंटर कर दूंगा। सेव करके रिलोड करूंगा। तो ये बटन और ये फॉर्म बनके तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको हल्का सा डिज़ाइन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैंने यहाँ पे एड्रेस वाली जो क्लास ली थी उस एड्रेस क्लास को यहाँ पे रखूँगा, और मैं इसको यहाँ पे दोबारा फ्लैक्स यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से ऊपर से ही ये तीनों लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस वाले एरिया में रख देता हूँ। अब एड्रेस के अंदर जो स्पेन टैग है, ये देखिए एड्रेस के अंदर जो स्पेन टैग थे दोनों, उसको मैं यहाँ पे फ्लैक्स कर दूँगा 00 ऑटो। अब एड्रेस के अंदर जो स्पेन टैग है जिसके अंदर जो फर्स्ट वाली क्लास है आइकन नाम से, वो मैं यहाँ पे इसको डॉट लगा के लिखूँगा, उससे इसी में काम करेगा एक। इसकी विड्थ कर दूँगा मैं 35px, और हाइट भी इसकी सेम रख दूँगा, और इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं ब्राउन नाम से, ब्राउन कलर दूंगा मैं, और इसको बॉर्डर रेडियस 50px का दूंगा, और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं कर दूंगा सेंटर। सेव करके रेड लोड करूंगा पेज को। तो अब देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से आइकन सेंटर में हो गई, बट वर्टिकल सेंटर करने के लिए पूरा आपको स्पेन टैग तक कॉपी करना पड़ेगा नीचे, और स्पेन टैग के अंदर जो आई टैग लिया है उसकी लाइन हाइट आपको इसकी हाइट के बराबर देनी है। तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट दे दूँगा 35px, और ये हो गया है। और मैं इसको अब कलर दे दूँगा वाइट कलर आ गया। अब राइट से एरिया को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगा। इसके अंदर मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करूँगा, और आइकन की जगह पे यहाँ पे वैल्यू लिख दूँगा, और इसकी विड्थ जो होगी ये मैं बाकी सब कुछ हटा देता हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो मैं कैल्सी से यूज़ करूँगा 100%। जितनी भी विर्थ है उसमें से 35px माइनस हो जाएगी, तो बाकी का एरिया इसको पता चल जाएगा। और पैडिंग इसको मैं लेफ्ट से दूंगा 10px का। अब देखिए 10px हो गया। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि जो ये वैल्यू आ रही है इस आइकन के सेंटर में हो वर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए ही मैं वैल्यू वाले में जाके अलाइन सेल्फ सेंटर कर दूंगा, और ये वर्टिकल सेंटर हो जाएगी। तो वर्टिकल सेंटर हो गया, और जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लिया था एड्रेस के लिए, इसको मार्जिन बॉटम दे दूंगा मैं 20px। 20px इसलिए दूंगा ताकि ये जो आपस में सट चिपक के आ रहे हैं इसमें स्पेस बन जाएगा। ये स्पेस आ गया, अगर आप चाहो तो इसका स्पेस कम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मैप के लिए जो मैंने यहाँ पे की क्लास ली थी मैप नाम की, अब इस मैप नाम की क्लास को यहाँ पे मैं रखूँगा, और आप देखिए जितना इसकी विड्थ से दे दूँगा 100%, और हाइट दे दूँगा 150px। तो अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अंदर इसको विड्थ दी थी 100% और हाइट दी थी 100%, तो इसके लिए आई फ्रेम को जब मैंने दी थी तो इसके अंदर होगा क्या कि जो मैंने विड्थ और हाइट इस मैप क्लास को दी है, अब जैसे कि इसकी मैप की क्लास की विड्थ होगी 100% और हाइट होगी 150px, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऑटोमेटिकली आई फ्रेम भी अपनी हाइट और विड्थ इसके अकॉर्डिंग कर लेगा। इसका ये बेनिफिट है। तो मैं इस रिलोड करूँगा,
अब देखिए ये भी इसी की हाइट में आ गया 150 की, और मैं मार्जिन इसको दे दूंगा इस क्लास को टॉप से 15px का। तो हमारा कॉन्टैक्ट का पेज बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। और देखिए ये हमने अभी ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोबाइल फ्रेंडली भी करके दिखाऊंगा आपको। बाकी आपको मोबाइल फ्रेंडली के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बट मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।